everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. And in this video, we are going to discuss the sociological school of jurisprudence. In earlier videos, we have covered the natural law school, analytical school and historical school. So you can check out the related videos on these school at the I button above right in the corner. Now in this video, we will discuss the meaning of sociological school, reasons for the emergence of sociological school, which means why and how the sociological school developed over the period of time. इसके बाद सोशियोलॉजिकल स्कूल के एक्सपोनेंट्स कौन कौन है, यानी कि किन किन ज्यूरिस्ट ने सोशियोलॉजिकल स्कूल को सपोर्ट किया है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें है अगस्त कॉम्ते, अर्लिक, ड्यूगेट, आयरिंग, रॉस्को पाउंड. तो रॉस्को पाउंड ने हमें दो थ्योरी दी है, एक है इंजीनियरिंग थ्योरी, सेकेंड है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट. सो वी हैव टू डिस्कस बोथ द थ्योरीज एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द लेसन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल. तो सोशियोलॉजिकल स्कूल बात करता है लॉ और सोसाइटी के रिलेशन के बारे में. सोशियोलॉजिकल स्कूल सेज लॉ इज द सोशल फिनोमिना. तो सोशियोलॉजिकल स्कूल कहता है कि लॉ और सोसाइटी के बीच रिलेशन होता है, सोसाइटी की हर एक प्रॉब्लम का एक लीगल पर्सपेक्टिव होता है, यानी कि एक वैधानिक नज़रिया होता है. सो अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल स्कूल, सोसाइटी में जितने भी बदलाव आते हैं उन सभी से लॉ किसी ना किसी तरीके से जुड़ा होता है, किसी ना किसी तरीके से लॉ का सोसाइटी से संबंध होता है. फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा. सती प्रथा के दो आस्पेक्ट हम देख सकते हैं, एक है लीगल आस्पेक्ट और दूसरा है सोशियोलॉजिकल आस्पेक्ट. लीगल आस्पेक्ट जिसमें सती प्रथा को अबोलिश किया गया और प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट 1987 बनाया गया, जिसके अकॉर्डिंग सती प्रथा अब एक इलीगल एक्ट है और कोई भी अगर इसे इनकरेज करता है तो वो भी प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट 1987 के अंडर पनिशेबल होगा. वहीं इसका दूसरा आस्पेक्ट है सोशियोलॉजिकल आस्पेक्ट, यानी कि सोसाइटी पर इसका क्या इफेक्ट होगा. आज के टाइम में जहां हम फेमिनिज्म, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वहां सती प्रथा जैसी कुरीति बिल्कुल ही अनुचित है. सो इट शोज दैट लॉ हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड लॉ नेवर वर्क्स इन आइसोलेशन, इट ऑलवेज गो हैंड टू हैंड विद सोसाइटी. अब इसके बाद वो क्या क्या रीजंस रहे जिनकी वजह से सोशियोलॉजिकल स्कूल एमर्ज हुआ. तो इसका सबसे जो मेन रीजन रहा वो रहा लेजिस फेरेट डॉक्ट्रिन. तो 19th सेंचुरी में जब लेजिस फेयर डॉक्ट्राइन के गलत प्रभाव दिखने लगे तो लोगों ने हेल्थ, वेलफेयर, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया. और हमने जो हेनरी मेन की थ्योरी पढ़ी थी मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, वो इसी डॉक्ट्रिन के बारे में थी. तो भाई अब ये लेजिस फेयर डॉक्ट्रिन है क्या. जब 19th सेंचुरी से पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया तो लोग अपने राइट्स और ड्यूटीज़ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिसाइड करते थे, जिसके कुछ टाइम बाद कैपिटलिस्ट ने लेबर क्लास या वर्कर्स को एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया. और उस टाइम पर इन सब चीज़ों में, जैसे कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट या इकोनॉमिक अफेयर्स में, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था. और इसी मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट को लेजिस फेरे डॉक्ट्रिन कहते हैं. और जब कैपिटलिस्ट ने लेबर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया तो यहाँ ज़रूरत हुई कि गवर्नमेंट भी इंडिविजुअल और सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए काम करे और सोशलाइटल इंटरेस्ट से रिलेटेड लॉज बनाए. और इसी वजह से सोशियोलॉजिकल स्कूल अराइज हुआ. सेकंड रीज़न इसमें ये है कि सोशियोलॉजिकल स्कूल एमर्ज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट टू मच थियोराइजिंग लॉ. तो लॉ में थियोरेटिकल अप्रोच ज़्यादा हो गई, तो अब नीड थी कि लॉ को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बनाया जाए. तो ये दो रीजंस रहे सोशियोलॉजिकल स्कूल के अराइज होने के पीछे. इसके बाद हम वन बाय वन सोशियोलॉजिकल स्कूल के एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट सी व्हाट कंट्रीब्यूशन दे हैव मेड इन सोशियोलॉजिकल स्कूल. तो सबसे पहले है अगस्त कॉम्ते. अगस्त कॉम्ते वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर. अगस्त कॉम्ते ने सबसे पहले सोशियोलॉजी वर्ड यूज़ किया था और इन्होंने सोशियोलॉजिकल स्कूल में ऑर्गेनिक थ्योरी दी थी, जिसके हिसाब से सोसाइटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होती है और अगर सोसाइटी को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की हेल्प से गाइड किया जाए तो सोसाइटी भी एक ऑर्गेनिज्म की तरह प्रोग्रेस कर सकती है. सो इन शॉर्ट, लॉ कैन बी यूज टू मेक अ सोसाइटी प्रोग्रेस. आवर नेक्स्ट ज्यूरिस्ट इज लियोन ड्यूगेट. ही वॉज ऑल्सो अ फ्रेंच ज्यूरिस्ट लाइक अगस्त कॉम्ते. और ड्यूगेट, अगस्त कॉम्ते और डर्काइम से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए. अगस्त कॉम्ते के बारे में हमने जान लिया था पहले,
अब डर्काइम के बारे में जान लेते हैं। डर्काइम ने क्या प्रपोजिशंस दिए? डर्काइम ने सोसाइटी की नीड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला, इंडिविजुअल्स की कॉमन नीड्स, जो कि एक दूसरे के म्यूचुअल असिस्टेंस से सेटिस्फाई की जा सकती थी, और दूसरा, इंडिविजुअल्स की खुद की नीड्स, जो कि एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज से सेटिस्फाई की जा सकती थी। और इसी दूसरी नीड को ड्यूगेट ने फर्दर इलैबोरेट किया है। ड्यूगेट के हिसाब से सोसाइटी का मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है लोगों का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना, इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन। और इसी इंटरडिपेंडेंस को ड्यूगेट ने सोशल सॉलिडेरिटी का नाम दिया। सोशल सॉलिडेरिटी मीन्स द फीलिंग ऑफ वननेस, इंडिविजुअल का अपनी नीड्स और एग्जिस्टेंस के लिए एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेशन करना, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होना या इंटरडिपेंडेंट होना। और ड्यूगेट का कहना है, जब लोगों का एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेशन होगा तो उनके बेनिफिट्स भी शेयर होंगे। सो अकॉर्डिंग टू ड्यूगेट, लॉ का ऑब्जेक्टिव है सोशल सॉलिडेरिटी को प्रमोट करना, और ऐसा कोई भी लॉ जो सोशल सॉलिडेरिटी को प्रमोट नहीं करता वो लॉ ही नहीं है। और ड्यूगेट का ये मानना है, सोशल सॉलिडेरिटी के बिना ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं हो सकता, इसीलिए हर इंडिविजुअल और स्टेट को सोशल सॉलिडेरिटी को प्रमोट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में सभी लोगों का कोडिफाइड लॉ को फॉलो करना। इसके बाद नेक्स्ट जूरिस्ट है सोशोलॉजिकल स्कूल के अर्लिख। अर्लिख सोशोलॉजिकल स्कूल के फाउंडर माने जाते हैं। अर्लिख का मानना है कि लॉ का मेन सोर्स है सोसाइटी, और सोसाइटी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ मैन। और अर्लिख ने हमें एक टर्म दिया, लिविंग लॉ, विच मीन्स कि सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं वो जब भी आपस में डीलिंग करते हैं या बेनिफिट शेयर करते हैं, वो सारी डीलिंग्स लॉ से अफेक्टेड होती हैं। और लिविंग लॉ को और भी एलैबोरेट करते हुए अर्लिख ने कहा कि सोसाइटी में या पूरी दुनिया में जितने भी लीगल डेवलपमेंट हो रहे हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सोसाइटी। और अर्लिख ने कहा कि लॉ का डेवलपमेंट लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट्स या जुडिशियल डिसीजन से नहीं बल्कि सोसाइटी से होता है, एंड दैट्स द रीजन दैट सोसाइटी इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, कमर्शियल लॉज हैं। कमर्शियल लॉज स्टैट्यूट और केसेस में तो इनकॉर्पोरेटेड है नहीं, लेकिन कमर्शियल यूजेज के साथ साथ कमर्शियल लॉज भी चेंज होते रहते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट जूरिस्ट रुडोल्फ वॉन आयरिन। आयरिन को फादर ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजिकल स्कूल कहा जाता है। इन्होंने एनालिटिकल स्कूल और सोशोलॉजिकल स्कूल को कंबाइन कर दिया था, और इन्हीं की इस फिलॉसफी को ज्यूरिसप्रूडेंस ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। आयरिन का मानना है कि लॉ का प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव है सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सो अकॉर्डिंग टू आयरिन, लॉ इज अ गारंटी टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइफ, और ये राइट्स स्टेट के थ्रू प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो आयरिन की सोशल इंटरेस्ट थ्योरी के हिसाब से अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट होता है तो सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो स्टेट ऐसे लॉज बनाएगा जिससे पूरी की पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आयरिन के अकॉर्डिंग, अगर पूरी सोसाइटी में हैप्पीनेस होगी तो इंडिविजुअल भी खुश रहेगा। इन अदर वर्ड, सोसाइटी के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने से हर एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट अपने आप ही अचीव हो जाएंगे। सो लॉ इज द मीन्स टू अचीव सोशल इंटरेस्ट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉस्को पाउंड। तो रॉस्को पाउंड की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी और थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।